तो चलिए गाइस, आज एक हैक ट्राई करते हैं। यानी कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें इन मैम ने क्या किया है, कॉफ़ी और टेलकम पाउडर के साथ में मिक्स करके फाउंडेशन तैयार कर दिया है। तो गाइस, ये वीडियो कितना काम करती है, यानी ये रेमेडी कितना काम करती है, सही में ये काम करती है या नहीं। अगर ये सच में काम करती होगी तो गाइस इसका मतलब हमें फाउंडेशन खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और 5 से 10 रुपये में हमारा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज हम जानते हैं इसके सच को। सो वेलकम गाइस, तो मैं हूं नंदिनी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये देखिए गाइस, उन्होंने कहा है कोई भी टेलकम पाउडर, कोई भी कॉफ़ी आपके पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये कॉफ़ी ले ली है और टेलकम पाउडर ले लिया है। और तीसरी जो चीज़ गाइस मैं इसके अंदर मिलाऊंगी वो है मेरे पास में कोल्ड क्रीम, यानी कि आप मॉइस्चराइज़र भी मिला सकते हैं और कोल्ड क्रीम भी मिला सकते हैं। तो मैं मॉइस्चराइज़र की जगह कोल्ड क्रीम लाना ज़्यादा बेस्ट रखूँगी, क्योंकि कोल्ड क्रीम क्या है, थोड़ी थिक होती है गाइस, और थिकनेस की वजह से क्या है कि हमारा जो ये रेमेडी तैयार होगा वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉफ़ी निकाल ली है। ये देखिए, मैं इस कॉफ़ी को निकाल लूँगी, यहाँ दिखा देती हूँ आपको। और अब इस 1 चम्मच से मतलब 1 चम्मच ही मैं इसमें ले लूँगी ये टेलकम पाउडर। जी हाँ गाइस, तो मेरे पास पॉन्स का नहीं था, नवरत्न का था, तो मैं ये ले लेती हूँ। कोई भी ले सकते हैं आपके पास जो भी हो, ये हैक अगर आप ट्राई करना चाहते हैं गाइस। वैसे आपको वीडियो देखने के बाद में ये हैक ट्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ मैं आपको बता ही दूँगी। और हाँ गाइस, वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें गाइस। तो चलिए गाइस, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी गाइस इसकी मिक्सिंग के लिए। ये देखिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ मिक्स के अकॉर्डिंग ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये हमने कॉफ़ी और टेलकम पाउडर को मिला लिया है, यानी इसमें मिक्स करेंगे अब। और अब मैं इसमें तीसरी चीज़ गाइस जो मिलाऊंगी वो है मेरे पास में कोल्ड क्रीम। आप चाहे तो मॉइस्चराइज़र भी मिला सकते हैं, कोल्ड क्रीम जो भी आपके पास में, दोनों में से आप दोनों मिला सकते हैं, एक ही काम करती हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो देखते हैं गाइस कैसा टेक्चर इसका आने वाला है, यानी कि कैसा हमारा फाउंडेशन तैयार होने वाला है। गाइस अगर ये है किस तरीके से काम करने लग जाए तो मुझे तो लगता है मार्केट की सारी चीज़ें फिर तो बेकार ही हैं, फेल ही हैं, अगर हमारी रेमेडियाँ काम करने लग जाएँ इस तरीके की। हैक तैयार जो करते हैं लोग, बनाते हैं वीडियोज़, क्या ये सच में काम करते हैं या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वो मैं आपको वीडियो के अंत तक बता ही दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें गाइस। ये देखिए गाइस, अब मैं क्या करूँगी, अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। पानी की थोड़ी कमी होगी तो आप पानी को थोड़ा और डाल लेंगे, ठीक है गाइस। तो ये देखिए, मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और अगर आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा डार्क बनना है तो आप अपनी स्किन शेड के अकॉर्डिंग इसमें पाउडर यानी टेलकम पाउडर को और मिला सकते हैं गाइस। तो ये देखिए, यहाँ ये थोड़ा सा डार्क सा मुझे लग रहा था, तो मैंने क्या किया था, मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा सा टेलकम पाउडर और डाल दिया, यानी मैं इसमें थोड़ा सा टेलकम और डालूंगी जिससे कि ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग बन जाएगा। सो गाइस, देखने में तो बड़ा ब्यूटीफुल सा लग रहा है, अब लगाने के बाद में क्या है क्या नहीं है तो वो तो बाद में ही पता चलेगा गाइस। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर लगभग जो है गाइस, मिक्सिंग मेरी तैयार हो रही है, तैयार हो जाएगी। तो मैंने काफ़ी देर तक, कम से कम कुछ 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा दरदरा लग रहा था। तो आप इसे जब तक मिक्स करेंगे जब तक इसका दरदरा यानी कुरकुरापन जो है कम हो जाए, जब तक आपको ये मिक्स करना है। तो देखिए गाइस, इतनी गाढ़ी इसकी थिकनेस बन गई है। तो अब मैं, ये देखिए, इसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया था और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद अब मुझे फाउंडेशन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी से हम अपना काम चला लेंगे गाइस। तो चलिए देखते हैं कि फाउंडेशन कितना काम करेगा। तो अब मैं इसे निकालती हूँ और अपने पूरे फेस पर लगाती हूँ। सो गाइस, मुझे थोड़ा दरदरा सा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा, बहुत हल्का। अब अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। देखिए गाइस, तो शेड तो बड़ा खूबसूरत सा बना है। अब गाइस इसे लगाएंगे पूरे, मैं अपने हाफ फेस पर ही इसे लगा कर आपको बताऊँगी। ये देखिए, इस तरीके से आप लगाएंगे, जैसे आपको ट्राई करना है उस तरीके से आप लगा लेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये हैक ट्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग ऐसे हैक्स बहुत करते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट की थी कि अगर ये हैक काम करेगा तो बहुत अच्छी बात है और नहीं काम करेगा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका सच और झूठ तो आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। तो देखिए गाइस, कैमरे पर कितना अच्छा इसका जो शेड है कितना अच्छा आ रहा है, यानी कि बहुत हाई कवरेज दे रहा है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़ा ही अच्छा फाउंडेशन है और हमारा 5 से 10 रुपए में ये काम तैयार हो रहा है। सो गाइस, मैंने इसे लगाया और लगाने के बाद मैंने देखा, इसे 5 मिनट अपनी स्किन पर छोड़ा। इतनी देर में मैं अपनी गुड़िया के पास भी होकर आ गई, उसको दूध भी दे आई, उसको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ें मैं उसको देकर चली आई रूम में। तो फिर मैंने इसको देखा कि ये कितना ब्लेंड होता है स्किन के अंदर, कितना एब्जॉर्ब होता है। सो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मेरी स्किन पर पैचेस आ गए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि आपने कोई फेस पैक लगाया है और वो दरदरा लग रहा था बिल्कुल, यानी ये कैमरे पर नहीं दिख रहा है
पर ये बहुत ज़्यादा दर्दरा लग रहा था, लाइनिंग आ रही थी, पैचेस आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि फेस पर मैंने रेत लगा लिया हो, यानी हम मिट्टी लगा लेते हैं ना तो उस तरीके से फेस लगने लगता है, तो बिल्कुल वैसे लग रहा था गाइस। सो बिल्कुल बेकार बकवास है क्या गाइस। सो प्लीज़ आप ऐसे हैक को बिल्कुल ट्राई ना करें। हाँ, इन्जॉय के लिए ऐसे वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने मिलियंस में इसके ऊपर व्यूज़ देखे थे तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो होगा, पर बिल्कुल ही बेकार हैक था गाइस। सो आप बिल्कुल ट्राई ना करें। और मैंने गीले टॉवल से इसे पैक की तरह अपने फेस से क्लीन किया, उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा दर्दरापन, यानी जो पाउडर था वो पाउडर बहुत ज़्यादा दर्दरा और वो काफ़ी बहुत ज़्यादा दर्दरी लग रही थी और मेल्ट भी नहीं हुआ है गाइस, बहुत अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है। सो बेकार का हैक है, आप इसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें गाइस। तो गाइस वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ गाइस ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं मोटिवेट होंगी और आगे आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी। तो देखिए गाइस, मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और वीडियो के बारे में आपने देख ही लिया है, हैक को मैंने ट्राई करके आपको दिखाई दिया है। सो कुछ भी नहीं है, बस आप क्या करेंगे फेस को क्लीन कर लेंगे, उसके बाद में मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएंगे। सो बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।